हेलो गाइस, फिर से हमारे चैनल का और एक फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से निकल कर आ रहा है हिमालयन, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है बाइक। तो कुछ व्यूअर्स के कमेंट के अनुसार हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि उसकी ईएमआई के बारे में हमें कुछ बताओ, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और कुछ कुछ लोग बोलते नहीं है। तो वीडियो की स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हिमालयन की स्पेसिफिकेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये जो ईएमआई की कुछ कितना कुछ देना पड़ेगा, यदि डाउन पेमेंट इतना देते हैं तो क्या कुछ आपकी इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट लगेगी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हर बाइक के रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिस तरह कि आपको हर बाइक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, बिना देरी के चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जो कि बहुत छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन जो कि मेन हाईलाइट है, और उसके बाद हम जानेंगे जो आपकी ईएमआई के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हिमालयन की जो है बहुत ही लुकी वाइज बाइक, और इसकी जो प्राइस है, तो मैं मुंबई की अगर मैप सिलेक्ट कर दूं, ये मुंबई की प्राइस है जो कि 235,000। तो ये हम चेक कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की क्या निकल कर आ रही है। दिल्ली सिलेक्ट एरिया, ₹224,930 के आसपास आ रहा है। तो हम यदि महाराष्ट्र ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बेलगाम ऐसा कुछ, मुंबई अहमदाबाद में यदि हम देखेंगे तो अहमदाबाद में क्या कुछ प्राइस आ रहा है, 227,000। तो मुंबई और ये में बहुत आ रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत ही कम आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलिए उसकी जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन जैसे कि आप ये बाइक की कुछ इमेज देख रहे हैं, तो ये कुछ इमेज निकल कर आ रही है, और उसके बाद इसकी डिस्प्ले में है जो कि 411cc, जैसे कि बहुत ही अच्छा है प्राइस के अनुसार। और उसके बाद है क्रैब वेट जो कि आपकी है 199 kg, जो कि 2 क्विंटल के आसपास ही हो जाएगा। और कलर्स बहुत कुछ निकल कर आ रही है, जैसे कि स्नो ग्रेडियंट, स्लेट ग्रे, ग्रेवल ग्रे, लेक ब्लू, रॉक रेड। तो मेरी पसंद तो रॉक रेड है, तो आपको किस कलर पसंद है वो जरूरी कमेंट करके बताएं। तो मैक्स पावर उसकी है 24.3 bhp। तो अबाउट हिमालयन आप जाकर गूगल में सर्च करके और यूट्यूब दूसरे की वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आप बताऊंगा कि आपकी जो बाइक की ईएमआई है वो कितना कुछ रहेगी। तो हम पहले ओपन कर देते हैं ईएमआई, तो ये ओपन हो गया ईएमआई कैलकुलेटर, और आप देख सकते हैं। तो पहले यदि मैं बता दूं कि बाइक की प्राइस अब है 274,000 टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट के साथ। यदि आप डाउन पेमेंट 44,000 करते हैं तो आपके लिए 7,600 जो कि 48 रुपये वो आ जाएगी मंथली। हाँ, तो यदि मैं डाउन पेमेंट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, जैसे कि ये जो डाउन पेमेंट यदि हम 1 लाख के आसपास दे देते हैं तो कितना कुछ प्राइस आ जाता है। यदि हम 1 लाख देते हैं तो लोन अमाउंट रह जाती है और भी 1,24,000, और आपकी जो मंथली ईएमआई रहती है वो है 5,284 rupees, जो कि हर बैंक, ये इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, हर बैंक इंटरेस्ट लेते हैं जो 11% हर बैंक लेते हैं। तो ये बाइक के लिए 11% ही लेते हैं, और दूसरा कुछ के लिए भी 11% लेते हैं। तो उसके बाद यदि आप चाहेंगे तो आपको 30 मंथ नहीं चाहिए, तो बैंक के हिसाब से आपको यदि 48 मंथ चाहिए तो 48 मंथ में भी हो जाएगी अवेलेबल है। 48 मंथ पे भी, 48 मंथ पे अगर आप देते हैं तो 3,000 आपको 730 के आसपास कुछ लग जाएगी, और लोन अमाउंट रह जाएगी 1,24,328। तो ऐसे आप देख सकते हैं ईएमआई कैलकुलेट करके। यदि आपके पास बजट थोड़ा कम है, जैसे कि आप यदि डाउन पेमेंट 50,000 के आसपास देते हैं तो ये लोन अमाउंट बहुत ही हाई हो जाता है,
जो कि 7,402 रुपये। तो आपको मेरी इतनी ही सजेशन रहेगी कि आप डाउन पेमेंट नियर बाय 1 लाख के आसपास ही लगाइए, और उसके बाद लोन अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी। और जो कि आपकी जो टाइम लाइन रहती है वो 30 मंथ हर बैंक देते हैं नॉर्मली, तो आप चाहें तो उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये है बात। और ये देखिए लोन अमाउंट आपकी हो चुकी है 1,74,000, और टोटली जो कि हम बात करेंगे इंटरेस्ट के साथ 2,72,833 रुपीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको दूसरे वीडियो के भी जो कि ईएमआई चाहिए तो आप जरूरी हमें कमेंट करिए। और आपकी कौन सी बाइक पसंद है जिसकी आप ईएमआई देखना चाहते हैं, तो जानने के लिए वीडियो की अंत तक बने रहिए और कमेंट करना ना भूले।